हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके जी के ट्विट पर। फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम आप लोगों के बीच में आ गए हैं। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं डीपीसी को लेकर लेटेस्ट अपडेट 2025, यानी शिक्षा मंत्री शिक्षा निर्देशालय बीकानेर में पहुंचे थे कल और अधिकारियों के साथ उनके द्वारा मीटिंग की गई थी और उनके साथ थे आशीष मोदी और शिक्षा मंत्री का। वहाँ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। क्या फैसला लिया गया है, डिटेल से बात करूंगा। उससे पहले मैं एक बार आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं, जो भी दोस्त शामिल होना चाहता है जरूर इन नंबरों पर आप हमें मैसेज कर देना, 80 58 85 13 75। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी दोस्त, अगर कोई भी शिक्षक अगर व्हाट्सएप पर ऐड होना चाहता है और डीपीसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहता है तो जरूर 80 58 85 13 75 पर व्हाट्सएप पर आप लोग हमें मैसेज कर देना, तो हम आपको डीपीसी के ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसमें आपको थर्ड ग्रेड से संबंधित, ट्रांसफर से संबंधित, यानी शिक्षा विभाग की जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन ऑन रखना है। बात कर लेते हैं डीपीसी को लेकर। कोटा जाने से पहले शाम को अचानक शिक्षा निर्देशालय पहुंचे शिक्षा मंत्री दिलावर। स्कूलों में रिक्त पद और बकाया डीपीसी का लिया है फीडबैक। व्याख्याता पदों की डीपीसी जल्द करवाने के दिए हैं निर्देश। दो दिवसीय दौरे पर बीकानेर आए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को कोटा जाने से पहले अचानक शाम 4:30 शिक्षा निर्देशालय पहुंच गए। शिक्षा मंत्री के दौरे को देखते हुए शनिवार को अवकाश के बावजूद सभी अधिकारी मौजूद रहे और निर्देशालय खुला रहा। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक आशीष मोदी की मौजूदगी में विभागीय अधिकारियों में से शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में रिक्त पद और बकाया डीपीसी का लिया है फीडबैक। करीब एक घंटे चली मीटिंग में शिक्षा मंत्री ने व्याख्याता पदों की डीपीसी सहित अन्य पदों की बकाया डीपीसी, नई भर्ती में शेष रहे पद, शिक्षकों के समायोजन आदि को लेकर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सेकेंड ग्रेड से व्याख्याता पदों की डीपीसी के प्रस्ताव को आरपीएससी के पास भिजवा दिया गया है। वही अन्य डीपीसी को लेकर कोर्ट में चल रहे प्रकरणों की जानकारी दी है, यानी आपको सभी को मालूम है कोर्ट में भी मामला है डीपीसी को लेकर। शिक्षा मंत्री ने व्याख्याता पदों की डीपीसी जल्द से जल्द करवाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री के कोटा के लिए रवाना होने के बाद माध्यमिक शिक्षा निर्देशक आशीष मोदी ने भी सभी अनुभाग अधिकारियों की मीटिंग ली और पेंडिंग कार्यों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। डीपीसी आपकी वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों की डीपीसी हो रही है, प्रस्ताव को आरपीएससी के पास भिजवा दिया गया है। 25 अक्टूबर तक आपकी स्थायी सूची जारी होने के निर्देश दिए हैं शिक्षा मंत्री ने। तो शानदार ये फैसला लिया है उनके द्वारा, और जो डीपीसी के अन्य प्रोसेस है वो कोर्ट में लंबित पड़ी है और उनकी भी उन्होंने फीडबैक लिया है। ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या भाषण दिया गया है उसका एक अलग से वीडियो हम लेकर आएंगे और उसमें हम बताएंगे। तो डीपीसी जल्दी से जल्दी आपकी हो रही है, सभी को दीपावली से पहले आपको डीपीसी की प्रोसेस कंप्लीट रूप से मिल जाएगी, स्थायी सूचियां मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन रखना है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।